और 1 जुलाई से कांग्रेस के देशव्यापी अभियान आउटरीच शुरू होगा। पार्टी कोरोना से हुई मौत और बेरोजगारी जैसे हालात का आंकलन करेगी, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पीड़ित परिवारों से संपर्क करेंगी। कांग्रेस आउटरीच अभियान की शुरुआत करने वाली है और इस अभियान में क्या होने वाला है, समझिए हमारे इस रिपोर्ट में। संक्रमण के कारण देश में पैदा हुए हालात का आकलन करने कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। इसके लिए 1 जुलाई से कांग्रेस का देशव्यापी महाअभियान आउटरीच शुरू होगा। इसके जरिए पार्टी कोरोना से हुई मौत, बेरोजगारी जैसे हालात का आकलन करेगी, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पीड़ित परिवारों से संपर्क करेंगी, साथ ही इन्हें मदद दिलाने को लेकर कांग्रेस पहल भी करेगी। ये आउटरीच अभियान के माध्यम से हम पूरे भारत में, उसी के तर्ज पर झारखंड पे भी एक एक परिवार से मिलेंगे जो कोरोना के प्रभाव से प्रभावित हुए हैं। इस पैंडेमिक के समय में जिन्होंने अपना परिवार को खोया है उनको सूची तैयार करेंगे हम, और जिनके रोजी रोजगार प्रभावित हुए हैं उनको भी पार्टी की ओर से हम लोग यथासंभव मदद करेंगे। प्रदेश कांग्रेस ने झारखंड में आउटरीच अभियान के लिए तैयारी पूरी कर ली है। हर जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस गुरुवार से अभियान की शुरुआत करेगी। प्रदेश कांग्रेस ने हर जिलों में बैठक करके कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम की जानकारी दे दी है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उराव खुद पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लोग अपने जिलों में दौरा कर लिए हैं, प्रखंडों में एक एक आदमी को जो डिप्यूट करना था उसकी भी सूची तैयार हो गई है, और 1 महीने तक चलने वाले आउटरीच अभियान सर्वे को सफलपूर्वक बनाने के लिए कांग्रेस के सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा चुकी है। हाल के दिनों में कांग्रेस का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसके जरिए कांग्रेस खुद को फिर से लोगों से जोड़ने की कवायद में जुट गई है। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन उमेश के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट।